समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। मानव विकास संस्थान के तत्वाधान में डॉक्टर एमएस निगम व इंजीनियर पीएन गुप्ता की अध्यक्षता में माननीय डॉक्टर अलका नायक प्राचार्य आर कन्या महाविद्यालय के मुख्य आतिथ्य राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य व संस्थान वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र गुप्ता के संयोजन में आज रानी झांसी की प्रतिमा तले उन्हें सलामी दी गई। आरंभ में अतिथियों का स्वागत बैच अलंकरण किया गया। उसके बाद डॉक्टर एमएस निगम ने रानी झांसी के कृतित्व पर प्रकाश डाला। संचालन करते हुए डॉक्टर ध्रुव यादव ने रानी झांसी की वीरता और उनके साहस को आगामी पीढ़ी से साझा करते हुए आत्मसात करने पर बल दिया। राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से आरंभ हुए सलामी कार्यक्रम को निरंतर मानव विकास संस्थान रानी की जन्म की तिथि को माह की प्रत्येक 19 सलामी देते हुए उन्हें नमन करता आया है। डॉक्टर अतिथि डॉक्टर अलका नायक ने रानी झांसी द्वारा किए गए अविस्मरणीय संस्मरण के दृष्टिगत आगामी पीढ़ी के संस्कृति के लिए अति आवश्यक बताया और मानव विकास संस्थान के पदाधिकारियों द्वारा निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन करने पर साधुवाद किया। एनसीसी प्रभारी डॉक्टर शारदा सिंह व एनएसएस प्रभारी निधि अवस्थी के मार्गदर्शन में हेडगर्ल अंशिका गुप्ता के कमांड पर रानी को सलामी प्रस्तुत करते हुए उन्हें नमन किया गया। झांसी से मनीषली की रिपोर्ट। प्राचार्य आर कन्या महाविद्यालय आज का कार्यक्रम मानव विकास संस्थान द्वारा है और राजीव बाई का जो दुख है नंबर है जैसे लेकिन मुझे बड़ी खुशी का विषय है कि ये हर माह की 19 तारीख को रानी लक्ष्मीबाई को सलामी देते हैं और इसी कार्यक्रम में उन्होंने हमें महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स के साथ जिनकी प्रभारी डॉक्टर शारदा सिंह जी हैं और एनएसएस की प्रभारी डॉक्टर अवस्थी जी है उनके साथ हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और उनका साधुवाद देती हूँ। साधुवाद इस रूप में देती हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई तो हर दिन मनाना चाहिए, 19 मना रहे ये और भी अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने तो जो और वीरता और पराक्रम की कहानी लिखी है वो एक दिन की नहीं है। हर व्यक्ति को हर समय ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हम जिस झांसी में चल रहे हैं और जिस झांसी की हम आबो हवा में सांस ले रहे हैं वो रानी लक्ष्मीबाई के वीरता और स्वच्छता की कहानी लिखी हुई है जिनके खून से ये हमारी झांसी की पृथ्वी संचित हुई है। यहाँ पे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय कन्वीनर जो हैं काका जी हैं अशोक अग्रवाल जी हैं और हमारे यहाँ जो हमारे बहुत ही आदरणीय प्रोफेसर एम एस निगम साहब हैं जो के अध्यक्ष हैं मानव विकास संस्थान के और हमारे बीच में जो हमारे बगल से खड़े हैं डॉक्टर प्रतिभा भार्गव जी हैं और हमारी एनसीसी की कैडेट्स हैं ये बच्चे जिनका इनका धन्यवाद तो उतना कम है ये बच्चे इनका परीक्षा है इसके बावजूद भी ये बच्चे बराबर जिस भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में पूरी सहभागिता इन लोगों की रहती है। बराबर वो अपनी प्रभारी डॉक्टर शारदा के नेतृत्व में पूरा आते हैं यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हुए हैं चाहे मानव विकास संस्थान के हो या अन्य कार्यक्रम हो तो हमें ये इस बात का गर्व है कि बहुत अच्छा हमारे लिए बच्चे बहुत ही सक्रिय हैं बहुत ऊर्जावान हैं हमेशा खड़े रहते हैं लगते हैं कि सिपाहियों की तरह बिल्कुल देश की रक्षा के लिए इन्होंने दृढ़ संकल्प कर रखा है और हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आदरणीय संयोजक जो है गुप्ता जी है तो उनको भी हमने सुना और भी हमारे आदरणीय जो कार्यक्रम का संचालन और मीडिया के लोग सभी लोग बहुत एक महत्वपूर्ण यही है कि हम सब लोग एकत्रित हुए उन्हें नमन कर रहे हैं उनको याद कर रहे हैं और उनको याद करते रहना चाहिए। हमें उन्हें कभी एक पट्टी करना चाहिए उनका योगदान उस समय का है जब